नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज है ट्यूसडे और मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए डीआईवाई के साथ और आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि फोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि स्टिचिंग से रिलेटेड है और जब कभी भी हम स्टिचिंग करते हैं तो फैब्रिक के छोटे छोटे पीस हमारे पास बच जाते हैं या कभी साड़ियों के साथ जो अटैच ब्लाउज पीस होते हैं वो बच जाते हैं या पुराने आपके पास फेब्रिक है उसको आप इस डी में यूज कर सकते हो छोटे छोटे भी पास बच जाती हैं तो उसको हम इस डी में यूज करेंगे तो जितना भी है है। तो लाइक जरूर कर देना और मुझे कॉमेंट में बताना की आपको कौन सा डी सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो बिना डिले करे अब बढ़ते हैं अपने डी की तो अपने फर्स्ट डी के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रेक्टेंगल में कट किया है और इस तरीके

क्وئल्ट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है तो अब किसी भी एक साइड से हमें 14 इंच पर मार्क करना है तो मैंने ये मार्क कर लिया है अब इतने पोर्शन को फोल्ड करेंगे जो मार्क किया है ना उतने तक का हमें फोल्ड करना है अब ये जो ऊपर वाला पीस है ना इसको हम कट करेंगे तो कट कैसे करना है इसके सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे तो 16 इसकी ब्रथ थी और 16 का हाफ 8 इंच पर मैंने मार्क किया है अब यहां से ट्रायंगल बनाना है तो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बना लिया है अब इतने पोर्शन को मैं कट कर लूंगी जैसा मार्क किया है ना उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है अब फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ताकि इसे कट करना ईजी रहे और दोनों साइड का मेजरमेंट सेम रहे इसे ओपन कर लेंगे ऊपर की साइड इस तरीके से ट्रैंगल आया है अब यहां पर लिया है मैंने साड़ी की लेस तो साड़ी से ये मैंने लेस निकाल लिया था और जिस साड़ी को मैं यूज नहीं करती हूँ तो मैंने इसे इसकी लेस निकाल लिया था और अब इसे मैं स्टिच करूंगी इसके साथ तो हम हाफ इंच का मार्जिन देना है और हाफ इंच uh, का गैप देते हुए चारों साइड से इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है लेस को ये जो कॉर्नर है ना उसमें इस तरीके से मैं फोल्ड करूँ तो कॉर्नर पर अच्छे से फोल्ड करते हुए नीटली हमें इसे स्टिच कर लेना है चारों साइड से मैं इसे स्टिच कर लूंगी हाफ इंच का गैप देते हुए तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है टॉप पर भी दिखा दूं इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इसे अटैच कर लिया है अब ये जो कॉर्नर है आप देख सकते हो कितने अच्छे से आया है अब यहाँ पर 14 इंच पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसकी फ्लैप इस तरीके से आएगी इसके जो रफ तो एजेस है, है, तो है पूरे पोर्शन पर इसी तरीके से फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर लूंगी तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब इसे दूसरे साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए पाइपिंग जैसा इसे अटैच कर लेना है तो ये मैंने चारों साइड से इसे स्टिच कर, कर, तो कर लिया है और, और फ्लैप इस तरीके से आएगी अभी फ्लैप में आप वेलक्रो लगा सकते हो टिच बटन लगा सकते हो या यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप लिया है और इसकी ब्रेथ रखी है मैंने टू इंच इसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड को एक ऊपर एक सेट करेंगे अब इसे स्टिच कर लेंगे तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है इससे मैं इसकी लूप बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं बटन अटैच करूँगी तो इसे इस तरीके से ज्वाइंट करना है और इसके नीचे रखते हुए स्टिच कर लेना है तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है तो इस पर मैं बटन लगाऊंगी तो फ्लैप को इस तरीके से रख कर देख लेना है जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर मार्क कर लिया है अब यहाँ पर मैं बटन को स्टिच कर लूँगी तो हैंड स्टिच करना है तो इसे मैंने स्टिच कर लिया और ये हमारा साड़ी ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है तो आप अपनी साड़ियों को इसमें रख सकते हो वगैरह रख सकते हो लहंगा रखना है तो आप वो भी रख सकते हो फ्री में बनने वाला ये डी आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और इसका बेस्ट पार्ट ये है की इसमें जिप वगैरह का झंझट नहीं है इस तरीके से बटन लगाया है या आप वेलक्रो भी लगा सकते हो तो फ्री में बनने वाला ये डी आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डी की तरफ तो यहाँ पर मैंने सेवेंटीन बाई सेवेंटीन इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है और इस तरीके से सेंटर पर मार्क कर लिया है अब यहाँ पर लिया है मैंने लेसिस के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं उनको लिया है और इसको फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लिया है आप सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए इसे रखेंगे तो आपके पास जैसी भी लेस है आप इस डी में यूज़ कर सकते हो लेसेस के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं तो आज हम उनका ही यूज़ करेंगे तो इस तरीके से एक बॉक्स जैसा बना लेना है कैसी भी लेस है चलेगी अब इस तरीके से आप रख कर देख लीजिए जिसके साथ जो लेस अच्छी लग रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अटैच करना है सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए हम अपनी पहली लेस को रखेंगे लेस की लेंथ लिया है मैंने नाइन इंच सारी ही लेस नाइन इंच की है मैंने सेंटर पर इसे स्टिच कर लिया है अब दूसरी लेस लिया है और इसे भी स्टिच कर लेंगे इसकी भी लेंथ नाइन इंच है यानी सारी लेस हमारी नाइन इंच की है तो सारी लेस को इसी तरीके से अटैच कर लेना है तो मैंने सारी लेस को अटैच कर लिया है ये नाइन बाई नाइन इंच का हमारा ये स्क्वायर बन गया है अब यहाँ पर लिया है मैंने ये स्ट्रिप और इसकी ब्रेथ लिया है फाइव इंच और इसे इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से हमें फोर स्ट्रिप चाहिए तो इस तरीके से अरेंज करेंगे राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और इस तरीके से रखकर अब यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे अब मैंने इसे स्टिच कर लिया है तो इसे राइट साइड में पलट लेंगे और अच्छे से इस पर आयन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक के छोटे छोटे पीस हमने अटैच किया है तो अच्छे से आयन कर लेंगे ना तो फैब्रिक हमारा सेट हो जाएगा अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए दोनों साइड पर भी स्ट्रिप को अटैच कर लेना है तो अब चारों साइड इसी तरीके से स्टिच करके मैं स्ट्रिप को अटैच कर लूंगी और अच्छे से इस पर आयन कर लेना है तो स्ट्रिप अटैच कर लिया है और अच्छे से आयन कर लिया है फैब्रिक हमारा सेट हो गया है अब इस पर हम टॉप स्टिच करेंगे तो टॉप स्टिच भी कर लिया है इसके साइड पर और बाहर की तरफ भी अंदर और बाहर दोनों तरफ हमें टॉप स्टिच करना है अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी स्ट्रिप लिया है और इसकी ब्रेथ रखी है थ्री इंच ये भी चारों साइड इस तरीके से अरेंज करेंगे अब वन बाई वन इसे भी अटैच कर लेंगे तो राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे चारों साइड से मैंने इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लिया है अब इस पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से अगर आप स्टिच करते हो और फैब्रिक के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं तो आप इस डी में से यूज कर सकते हो अब बैक पोर्शन को अटैच करना है तो ब्रे तो मैंने सेम रखी है यानी जो हमारा फ्रंट वाला पीस है ना उसके बराबर बट लेंथ मैंने ज्यादा लिया है फाइव इंच एक्स्ट्रा लिया है अब इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे दोनों ही फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इस पर सीधी सिलाई कर लेना है तो मैंने डबल फोल्ड कर दोनों पीस को हमें अटैच करना है तो दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा इस तरीके से फैब्रिक को सेट करेंगे और चारों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे अब इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे तो राइट साइड में मैंने टर्न कर ली कुशन लगाकर देखते हैं इसका फाइनल लुक तो कुशन मैंने लगा लिया है और इस तरीके से हमारे कुशन का कवर आया है परफेक्ट फिटिंग के साथ ये रेडी हुआ है यहाँ पर फैब्रिक के छोटे छोटे पीस हमने अटैच किए हैं तो जो भी वेस्ट फैब्रिक आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे लेसेस के पीस बच जाते हैं उनको यूज़ कर सकते हो तो ये डी आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डी की तरफ तो नेक्स्ट डी के लिए हमें फ़ैब्रिक का एक छोटा सा पीस चाहिए इसकी लेंथ मैंने लिया है एट इंच और ब्रेथ लिया है सेवन इंच तो एट बाई सेवन इंच का हमें इस तरीके से दो फैब्रिक चाहिए तो ये दो फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने बुकरम शीट तो इसे इस तरीके से सेट करेंगे आप देख सकते हो लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक मैंने अटैच किया है ना वो सेम फैब्रिक ही लिया है आप चाहो तो दूसरा जो भी फैब्रिक आपके पास है आप ले सकते हो अब इसे इस तरीके से सेट करेंगे बट इसे स्टिच करने से पहले यहाँ पर हमें एक और फैब्रिक चाहिए तो मैंने ये फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर में और इसकी ब्रेथ सेवन इंच ही रखी है लेंथ लिया है मैंने फ़ाइव इंच इससे हम पॉकेट बनाएंगे इसे ऊपर के साइड डबल फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है अब इसे हम अटैच करेंगे तो अटैच कैसे करना है जो लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया था ना उसे रखेंगे और इसके सेंटर पर मार्क कर लेंगे यानी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे तो इस तरीके से इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और सेंटर पर मार्क कर लिया है वो तो अब इसी तरीके से जो लाइनिंग वाला फ़ैब्रिक है इसे भी फोल्ड करके सेंटर पर मार्क कर लेंगे अब इसे इस तरीके से सेट करेंगे और दोनों साइड स्टिच कर लेंगे सेंटर पर भी हमें सिलाई कर लेनी है यानी टोटल हमें यहाँ पर तीन सिलाई करनी है तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारी एक छोटी सी दो छोटी सी पॉकेट बन गई है अभी ये नीचे से ओपन है लेकिन बाद में जब स्टिच करेंगे ना तो ये साथ में स्टिच हो जाएगा अब फैब्रिक कोई इस तरीके से सेट करेंगे बीच में बुकरम शीट को इंसर्ट किया है और सबसे ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है इसे चारों साइड से स्टिच किया है और सेंटर पर भी सिलाई चला ली है अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है तो चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक तो ट्रिम कर लिया है और ये हमारा सिंगल फैब्रिक बनकर रेडी हो गया है अब इसके जो रफ एजेस है ना इसे हाइट करना है तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ब्रेथ की ये स्ट्रिप कट किया है अब इसे तीन साइड से इस तरीके से रखेंगे तो मैंने तीन साइड से इसे स्टिच कर लिया है कॉर्नर को भी आप देख सकते हो इस तरीके से रखना है और इसे स्टिच कर लेना है अब इसे दूसरे साइड फ़ोल्ड करेंगे कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए अब इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए पाइपिंग जैसा इसे अटैच कर लेना है एंड पोर्शन पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था तो इसे भी इसी तरीके से अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और नीटली पाइपिंग जैसी इसे अटैच कर लेंगे तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है सारे रफेजेस अंदर आ गए हैं अब यहाँ पर लिया है मैंने जिप और जो रनर वाला साइड है उसे बाहर की तरफ रखना है इस तरीके से सेंटर पर मार्क कर लिया है अब रनर वाला साइड बाहर की तरफ रहेगा इसे इस तरीके से सेट करेंगे तो यहाँ पर मैं पिन से इसे टक कर लूँगी ताकि स्टिच करना ईजी रहे और आपको भी समझना ईजी रहे एक साइड मैंने पिन लगा लिया है अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से जिप को अटैच करेंगे ध्यान रखना है रनर वाला साइड बाहर की तरफ रहेगा इस तरीके से दूसरे साइड ओवरलैप करते हुए हमें इसे स्टिच करना है जब हम स्टिच करेंगे तो पिन को रिमूव करते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे तो इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूंगी तीन साइड से हमें स्टिच करना है तो इस तरीके से हमारी ये जिप लग गई है तरीके से इसे क्लोज करेंगे और पूरा ये क्लोज हो जाएगा बस नीचे के साइड जहां पर जिप अटैच नहीं किया है वो अभी ओपन रहेगा ज़िप का थोड़ा पोर्शन एक्स्ट्रा है अब इसे राइट साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ज़िप को ऊपर के साइड ले आएंगे और ये जो ओपन पोर्शन है ना इसे भी स्टिच कर लेना है तो अब इस पर भी मैं सिलाई कर लूँगी और जितना भी ज़िप का पोर्शन एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है अब इसे ओपन करके राइट साइड में टर्न कर लेंगे तो ये हमारा मोबाइल पाउच बनकर रेडी हो गया है फ्री में बनाया है कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया है इसमें आप इजीली अपने मोबाइल को कैरी कर सकते हो हेडफोन रख सकते हो आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हो छोटा सा पाउच है और कैरी करना भी इजी है आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डी की तरफ तो नेक्स्ट ए आई में भी अगेन मैं फैब्रिक के छोटे छोटे पीस का ही यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से फोर बाई फोर इंच के मैंने स्क्वायर पीस कट किए हैं कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो और अब ये जो स्क्वायर पीस है ना इसे हम सेट करेंगे तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ना वैसे ही इसे सेट करना है अब सेम फैब्रिक तो मिलेगा नहीं आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो आप दोनों ही स्क्वायर पीस को इस तरीके से रखेंगे राइट साइड दोनों का अंदर की तरफ रहेगा इस तरीके से सेट करना है अब इस पर सीधी सिलाई करके इस तरीके से इसे रेडी कर लेंगे यहाँ पर मैं अपनी पुरानी कुर्ती का यूज़ कर रही हूँ कुर्ती का जो पार्ट अच्छा था उसे मैंने कट करके निकाल लिया है तो आपके पास भी अगर पुरानी कुर्ती है या पुराना कोई भी फैब्रिक है तो आप उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो दूसरे वाले स्क्वायर पीस को अटैच करना है तो राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे तो यहाँ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है अब आते हैं सेकेंड रो पर तो सेंटर वाला फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है इसे लिया है और इस तरीके से इसे अरेंज करेंगे अब एक के ऊपर एक इस तरीके से सेट से करेंगे राइट right साइड दोनों का अंदर की तरफ रहेगा और सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेना है तो इस तरीके से मैंने तीन रो इसकी कंप्लीट कर ली है अब इन्हें आपस में अटैच करना है तो इस तरीके से एक के ऊपर एक सेट करेंगे राइट right साइड अंदर की तरफ रहेगा और इसे स्टिच कर लेंगे अब थर्ड रो को भी इसी तरीके से अटैच कर लें सिलाई से सिलाई मैच करना है आपको ये बात ध्यान रखना है तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है और ये हमारा स्क्वायर पीस रेडी हो गया है इस तरीके से इसका पैटर्न आया है यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रिप कट किया है तो इसकी ब्रेथ लिया है मैंने फोर इंच इस तरीके से हमें चार स्ट्रिप को कट करके लेना है तो चार स्ट्रिप को इस तरीके से सेट करेंगे और अब इसे अटैच करेंगे तो राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और इस पर सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे चारों ही स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है स्ट्रिप थोड़ी सी चौड़ी थी तो मैंने इसको रिड्यूस किया है थोड़ा पोर्शन इसका कट किया है यानी फोर इंच की थी ना तो मैंने टू पॉइंट फाइव इंच इसकी ब्रिथ रखी है अब ए, एक और स्ट्रिप लेंगे और उसे भी चारों साइड अटैच करेंगे तो सेंटर वाले फैब्रिक से मैच करता हुआ यहाँ पर मैंने स्ट्रिप का कलर लिया है हर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लीजिए जो भी कलर आपके पास है आप रख कर देख लीजिए जिसके साथ जो अच्छा लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करिए इस तरीके से स्ट्रिप को सेट किया है दोनों स्ट्रिप को और राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे दोनों पर सीधी सिलाई कर लेनी है अब इस पर अच्छे से आयन कर लेंगे और बचे हुए जो दो साइड है ना उस पर भी स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे यानी चारों साइड पर स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे अब आप... इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सेट किया है ये हमारा मेन फैब्रिक है और बीच में फोम शीट लिया है और सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक है क्योंकि यहाँ फैब्रिक के छोटे छोटे स्ट्रिप को अटैच किया है ना तो इस तरीके से फोम शीट इंसर्ट करेंगे तो ये जो सिलाई जहाँ पर ज्वाइंट किया है ना वो खुलने के चांसेस कम हो जाएंगे और इस तरीके से पिन लगा लिया है ताकि स्टिच करना ईज़ी रहे अब जितने भी ज्वाइंट हैं वहाँ पर हमें सिलाई करनी है तो सबसे पहले अंदर वाले ज्वाइंट पर हम सिलाई करेंगे बाहर के साइड भी इसी तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे तो इस तरीके से मैं टॉप स्टिच कर लूँगी जैसा दिखाया जा रहा है ना आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टिच करना है तो मैंने टॉप स्टिच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे बैक साइड से भी दिखा दूँ इस तरीके से मैंने इसे स्टिच किया है तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है ये हमारा फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया है अब बैक पोर्शन के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो फैब्रिक को कट किया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे ब्रेथ सेम रखनी है राइट साइड वाले के हिसाब से ही ब्रेथ रखनी है लेकिन लेंथ आपको फाइव इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये ओवरलैप करेगा तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अब दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को सेट करेंगे और चारों साइड से मैंने पिन लगा लिया है ताकि स्टिच करना ईजी रहे तो अब इसे मैं चारों साइड से स्टिच कर लूँगी तो ये मैंने चारों साइड से स्टिच कर लिया है जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी आप इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे तो ये मैंने राइट साइड में कर लिया है अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन डालकर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक तो क्वेश्चन मैंने डाल लिया है परफेक्ट फिटिंग के साथ ये रेडी हुआ है फैब्रिक के छोटे छोटे पीस अटैच किए हैं बनाना भी बहुत ईजी है इस तरीके से फैब्रिक के छोटे छोटे पीस तो हमारे घर में बचे ही रहते हैं या कपड़े रहते हैं तो उनका आप इस डी में यूज कर सकते हो आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताए तो ये आज के सारे डीआईवाई आपको कौन सा डी सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो मैं डेफिनेटली आपके साथ वो डी आई वाई शेयर करूंगी तो अब मिलती हूँ आपसे सैटरडे को तब तक के लिए बाय बाय